ओके okay, प्यारे दोस्तों yes, तो मेरा नाम क्या है? पंडित फकीर योगी वीरेंद्र योगी। तो आपका सवाल है कि मैं पंडित क्यों हूँ? yes, क्या सवाल है सर? आप पंडित क्यों है? सवाल पूछिए। आप पंडित क्यों हैं? हाँ तो प्यारे दोस्तों, मैं जो कुछ कर रहा हूँ तो बहुत कुछ पढ़ रहा था, तो एक है कि कविता हमें कबीरदास की याद आ गई। वो था पोथी परपरी जग मुआ, बोलो पंडित भया ने को भाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो तो पकड़ लिया उसको। अरे ये सारे गुण मुझमें है, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं अनपढ़ गवार हूँ, लेकिन मैं इतना दीवाना हूँ कि जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य को अपना परिवार समझ के बहुत प्यार करता हूँ। अरे मैं पंडित हूँ, समझ गया? क्यों मैं पंडित हूँ? जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य सबसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरे दिमाग में न कोई जाति है, न कोई धर्म है, न कोई मजहब है, न कोई क्षेत्र है, बस देव कुटुंबकम ये पूरी पृथ्वी अपना परिवार है। सड़े भक्त सुनना, सबकी खुशहाली के लिए मैं ज्ञान का ज्योति जलाता हूँ, उनको ज्ञान देता हूँ। आत्मसर्वित सारी आत्माएं समाज है। फिर वो संस्कृत पढ़ा, उसमें था मातृवत पर देश, मातृवत पर दारेशु, पर धर्मेशु दुष्मत, आत्मा सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। अरे ये भी तो मिले हुए हैं, किसी दूसरे महापुरुषों का कहा हुआ है तो लक्षण मुझ में है, इसीलिए पंडित बोल दिया। समझ गया? ये कौन बोला मुझे? मैं मुझको बोलो, आप ही अपने आप को बोलो। कोई चोरी कर रहा है तो बोलेगा मैं चोर हूँ, नहीं बोलेगा। कोई झूठा है तो बोलेगा मैं झूठा हूँ, नहीं बोलेगा। अच्छा करेगा वो भी नहीं बोलेगा, लेकिन मैं बोल दिया मैं पंडित हूँ। ठोके, क्या बोल दिया? ठोके। तो दो डेफिनेशन पंडित का आ गया मुझमें। पहला क्या हुआ सोनी, बोलो पहला क्या है? पहला क्या है कि मैं बहुत प्यार करता हूँ। और कविता सुना, पोथी परपरी जग मुआ, पंडित भया ने को भाई अच्छे प्रेम का, पढ़े सो पंडित। आप लोग भी सीखो, इसलिए सिखा रहा हूँ मैं, अपना ढंका नहीं छोड़ पर सुना रहा हूँ अपने आप को, अपने मुंह में मीठू। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको करेक्टर बता रहा हूँ कि पंडित कौन होता है। सब पंडित बनो, सब प्यार करो अपने शरीर से, अपने मन से, अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने देश से, अपनी दुनिया से, तब तू भी पंडित बन। समझ गए? पंडित का मतलब प्यार करे, पंडित है। दूसरा परिभाषा क्या है? दूसरों की माँ बहनों को अपनी माँ बहन की सम्मान करो, दूसरे को धन को ढेला समझो, और सारी जीवात्माओं को अपनी आत्मा की तरह सम्मान करो, वो भी पंडित है। उसे मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर एक सिंहासन चर्चले, एक बजे जंजीर। जो अच्छा काम करेगा उसको लोग याद करेंगे, जो बुरा काम करेगा उसको लोग थू-थू करेंगे। मर्जी तुम्हारी, जैसा सोचोगे वैसा बोलोगे, वैसा करोगे, उसी तरह से तुमको लोग याद करेंगे। हम क्यों दुर्योधन को याद करते हैं, नालायक कमीने कुत्ते की तरह? रावण को याद करते हैं, कंस को, हिंदी सभ्यता संस्कृति में है नहीं? और फिर राम और कृष्ण को भी याद करते, भीष्म पितामह को भी याद करते, उन्हों को याद करते, सुभाष बोस को, चंद्रशेखर आजाद को, लाल बहादुर शास्त्री को, झांसी की रानी को, शिवाजी महाराज को, महाराणा प्रताप को, ऐसे देशभक्तों को भी याद करते ना। तो उनके कर्मों से उनकी पहचान होती है, समझ लो बेटा। तो ये हो गया कर्म के बारे में। एक बात और बोलना चाहता हूं, एक कहावत है कि जस करनी तस भोगम दाता, नरक जात पर क्यों पछताता। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर हम जैसा कर्म कर रहे हैं उसे हमको उसको परिणाम मिलेगा, अगर हमें नरक का जब द्वार मिला है तो उसे जान से पछतावा ही मत करो, क्योंकि जैसा तुम कर्म कर रहे हो उसका फल तुमको वैसा ही मिलेगा। सही बोला, ऐसी करनी क्यों किए, किए करे पछताए, बोया बेल बबूल का आम कहां से खाए। ऐसी की बात है, ऐसी करनी क्यों किए, किए करे पछताए, भोया पेट बबूल का आम कहां से खाए। बेटा तो लड़का सही बोल कि नरक जाने का काम किया, मीन्स कामी क्रोधी लोभी लालची गुंडा नीचा बदमाश,
परिवारवादी, जातिवादी, धर्मवादी, नालायक कमीनी कृति की औलाद, आज तुम्हें नरक जाना पड़ रहा है तो रो रहे हो, लेकिन सब तुम्हारे किए हुए कर्मों का फल है। यस सर। जैसी करनी वैसी भरनी। आपसे हाथ जोड़ता हूँ मेरे दोस्तों, कभी भी गलत मत करो। योग विद्या यही सिखाता है। योग विद्या क्या सिखाता है? यामा। यामा का मतलब क्या? अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, नौकरी का नियम क्या सिखाता है? स्वच्छा, मन वचन कर्म से स्वच्छ रहो, पवित्र रहो। संतोष, संतोष से जीवन जियो। तपस्या, तपस्वी बनो, कर्म का वीर बनो, काफी कठोर परिश्रम करो, है ना। इसके बाद स्वाध्याय, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, दूसरे के भरोसे मत जियो, बाहरी शक्ति कुछ नहीं है। करके भी विवाद में खेद करो, इस लक्ष्य निरंतर भेद करो। मंतावश मुझे नहीं मिली है, नीति जिससे स्थिति निधि है, समझो घृणित निष्क्रिय जीवन को, नरो में निराश करोगे, उदास मत हो जाओ। कोई बाहरी ताकत तुम्हें मदद नहीं करेगी, अपनी मदद खुद करो। अपनी मदद करोगे तो बाकी लोग भी तुम्हें मदद करेंगे, लेकिन जो काम चोर हो, जो अपनी मदद नहीं करता हो, समझे ना, तो आलसी हो, लोभी लालची कामी क्रोधी हो, नफरत नाराजगी के जीवन जी रहा हो, वो तो सांप है ना, उसे बच के रहना चाहिए। है कि नहीं मेरे दोस्तों? सब तुम्हें धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।